राम राम जल राम राम खल राम जय जय रा जानकी राम जय जय रा 呃呃呃。Um. Um. Um. गणपतिकं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वतानशृण्वन्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपते नमः वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्ता वन्दे वाणी विना शंकर वन्दे श्रद्धा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाडो महासायखचारुच्छ रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लाल देह लाली लस अरुधरी लाल लंगू। देह दान दानदलन जय 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 कपिसू यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं मायुसूनु प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः आनन्दकारणे यस्मिन् तुलसी तुलसीजङ्गमतरु मंजरी भाती राम भ्रमरभूषिता ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम

श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्रीराम ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती बदे हर हर महान हम लोग से जीवन में गलती होती है कि हम लोग किसी वस्तु व्यक्ति से परिस्थिति से शांति चाहते हैं बियॉन्ड द पीस फ्रॉम एनी पर्सन सिचुएशन शांति किसी वस्तु से चाहते हैं बियॉन्ड द पीस सम पर्सन फ्रॉम सक्सेस फ्रॉम हाउस हमारे लिए शांति एक किसी वस्तु का धर्म है आई वॉन्ट द पीस ऑफ मनी पीस ऑफ हाउस पीस ऑफ माइंड शांति ध्यान देना सीता जी सीता जी शांति शांति समाहिता सीता आत्मा रामो विराजते तो जो सीता जी शांति है यह अखंडा शांति शांति विल नेवर कम एज एन एट्रीब्यूट और अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट शांति इज इनफाइनाइट एन एट्रीब्यूटलेस अखंडा शांति है यू वॉन्ट पीसफुल स्टॉप नॉट ऑफ एनीबडी नॉट फ्रॉम एनीबडी जहा हमें शांति किसी चीज से चाहिए वस्तु से चाहिए वहां पर हम आई विल भी डिफीटेड वस्तु का धर्म किसी वस्तु का धर्म शांति नहीं है पीस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यही गलती हमसे होती है शांति केवल और केवल आत्मा का ही दूसरा नाम है भगवान का ही दूसरा नाम है सीता जी राम जी के साथ ही मिलेंगी राम जी से अलग करके सीता जी नहीं मिलेंगी ईश्वर के अतिरिक्त शांति कहीं नहीं मिलेगी यू कान गेट पीस सेपरेटेड फ्रॉम गॉड कह नहीं सकता कि हमको पैसे की बड़ी शांति है। बहुत छोटी सी शांति होगी थोड़ी देर के लिए अदर इशूज विच विल डिस्टर्ब यू पैसे से शांति नहीं मिलेगी संबंधों से शांति नहीं मिलेगी कोई कह नहीं सकता कि हमें बच्चा इतना अच्छे से हमारा मन बहुत शांत अगर आपको बच्चे कारण मन शांति कोई दूसरे कारण से अशांति हो जाएगी शांति जगत की किसी छोटी मोटी वस्तु का नाम नहीं है किसी चीज को पानी का नाम नहीं है शांति ईश्वर का ही नाम है अंडरस्टैंडिंग दैट हाँ शांति इज द नेम ऑफ द गॉड ओनली शांति डज नॉट कम इन स्मॉल पैकेज शांति व कम्स ओनली वेन यू आर विद कम्प्लीट गॉड और कम्प्लीट सेल्फ देर आर ओनली टू वेज ओनली पीस कम्स एज फार एज आई है अनंतता के साथ ही शांति है किसी चीज जिसमें शांतता हो उसमें शांति नहीं होगी उसमें शांति का आभास होगा एनी थिंग विच इज फाइनाइट यू विल अ Appearance अपियरेंस ऑफ पीस बट नॉट दीस इन इट बोले भोजन करके हमारा मन शांत हो गया dinner, lunch, आपको, आपको लग रहा है कि भोजन से आपका मन शांत हो गया ऐसा होगा नहीं भोजन करके आज तक किसी का मन शांत नहीं हुआ है भोजन करके आपका पेट भर जाएगा योर हंगर विल गो अवे मे बी जब तक आप भोजन कर रहे हैं बहुत अच्छा है आ, आपके स्वाद के हिसाब से है यू कैन से आई लाइक द फूड लेकिन उसके बाद उसमें शांति नहीं है अभी हमारी पत्नी इतनी अच्छी है हमारा पत्नी से हमारा मन शांत है पत्नी से आप पत्नी आपको शांति नहीं दे पाएंगी बहुत से अच्छी पत्नी हैं तो हो सकता है आपको डिस्टर्ब ना करें संभावना कम है पॉसिबिलिटीज आर लेस लेकिन अगर अगर है भी ऐसी पत्नी तो आई कई ऐसी बातें हैं जो कि आपको अशांत कर सकती हैं शांति और राम दोनों अखंड हैं दोनों एक हैं इसको पकड़ना दिस इज मेन पॉइंट ऑफ सुंदरकांड रावण ने सीता जी का तो हरण किया और राम को छोड़ दिया अगर राम और सीता दोनों का हरण रावण कर लेता तो प्रॉब्लम नहीं होती <laughs> रावण है टेकन राम एंड सीता वो तो सीता जी प्रसन्न रहती लेकिन राम को और सीता को अलग नहीं कर सकते आप सीता और राम को अलग करके आप अशांत हो जाइएगा मोर डिस्टर्ब ठीक है ना बस इसको पकड़ के रखना जीवन में नेवर ट्राई टू गेट पीस फ्रॉम एनी पर्सन और एन ऑब्जेक्ट वो देगा नहीं आपको ही कैन बी वेल बिहेव्ड हो सकता है आपको थोड़ी शांति मिल जाए थोड़ी सी लेकिन आपको अखंड शांति नहीं मिलेगी वो तो जो अनंत है वहीं पे ही पूरी शांति है दो बात है एक तो सीता जी को रामायण में भक्ति बोला है शक्ति भी बोला है और शांति बोला है तीन परिभाषा है जानकी जी की शंकराचार्य जी ज्ञान मार्ग में के विद्यार्थियों के लिए शांति समाहिता सीता आत्मा राम विचार विजा विदा देते बोले आत्मा शांत आत्मा जो है राम है और सीता शांति तो उसी से बोले भगति ज्ञान बैराग जिनु सोहद धरे शरीर तो सीता जी भक्ति हैं और तीसरी परिभाषा है उद्भव स्थिति संहार कारणी कारिणी क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम तो सीता जी शक्ति हैं तो शांति भक्ति और शक्ति तीन चीज है तीन शब्द हैं इसको ठीक से समझ लें जो रावण है ये मूर्तिमान मोह है मोह दस मौली बोलो तद भ्रात अहंकार रावण की जो परिभाषा है विनय पत्रिका में कि रावण जो है मोह है इज डिल्यूजन और मोह क्या करता है कि शांति को ईश्वर से अलग करता है <coughs> मोह इज ए कन्विक्शन दैन आई कैन बी हैप्पी विद एन ऑब्जेक्ट आई डोंट नीड इनफाइनाइट गॉड इन माई लाइफ दिस इज मोह मोह मतलब है कि ईश्वर के अस्तित्व को जो न माने मतलब आप नहीं मानते कि ईश्वर है या ईश्वर का ईश्वर हमसे कुछ संबंध रखता है ईश्वर को बिना माने जो शांति की इच्छा है इसी का है एम हैप्पी विद माई मनी और हैप्पी विद माई फैमिली ऑफिस पर्सन गॉड को मानना नहीं है गॉड तो आपका स्वरूप है ना अनंत स्वरूप को छोड़ के आप किसी छोटी चीज को पकड़ेंगे अपने स्वरूप से जितना हटेंगे उतना आपको कष्ट होगा ना मोह मीन्स यू आर यू से आई डोंट वॉन्ट गोल्ड बट आई वॉन्ट ऑर्नामेंट आई आई वॉन्ट ऑर्नामेंट आई आई वॉन्ट गोल्डलेस ऑर्नामेंट स्वर्ण रहित हमको आभूषण चाहिए कहीं <laughs> ना कहीं आप अनंत की सत्ता को आप कहीं ना कहीं काटते हैं इसी का नाम वो है और जिसकी सत्ता नहीं है दैट विच नॉट एग्जिस्ट यू आर री इन्फोर्सिंग दैट ठीक है एंड दैट विच इज एग्जिस्टिंग यू आर निगेटिंग दैट लो जिन संबंधों की सत्ता नहीं है दो रिलेटिव विच आर नॉट एग्जिस्टिंग पड़ता ही अब अभी आने वाले हैं दैट रिलेटिव विच आर नॉट एग्जिस्टिंग दैट आई री एंड दैट इनफाइनाइट सेल फॉर गॉड विच इज ऑल द टाइम एग्जिस्टिंग आई निगेटेड इसी का नाम मोह मोह दो तरफा है तो जो नहीं है उसको हम बनाना चाहते हैं जो है उस पर ध्यान नहीं देना चाहते और जो नहीं है उससे पूरी शांति प्राप्त करना चाहते लो आई वॉन्ट टू गेट जॉय फ्रॉम माई ड्रीम गर्ल ड्रीम वाइफ ड्रीम चाइल्ड ठीक है तो मरो जाओ हम क्या कर हमें क्या समस्या है आप पर हो परेशान है तो कब से समझाया जा रहे हैं समझ में नहीं आ रही बात हाँ नहीं तो समझती नहीं तो रावण इसी मोह का नारा मोह दस मौली हाँ <coughs> उल्टा पुल्टा काम करते रहते हो तो जो चीज़ है नहीं उससे तुम सुख लेना चाह रहे हो और जो है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है न? जो है उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है और जो चीज़ छोटी मोटी है उसको आप बड़ा बना रहे हो हामी खंडानंद जी एक बार भागवत सप्ताह कर रहे थे भागवत सप्ताह करके किसी घर गए भागवत सप्ताह यू नो वेरी टीडियस थ्री आवर्स टॉक थ्री फोर आवर्स अब वो गए किसी घर उनको भूख लगी थी प्यास लगी थी अब वो महाराज छोड़ के बाहर गया भागा ही लेफ्ट हिम ऑन दी प्लेस एंड वेंट आउट साइड ऑन द रोड तो क्यों भाग गया भागा भाई इनको छोड़ के क्यों भागा टू रिसीव समीस अब बड़े को छोड़ के आप छोटे के पास जा रहे हो इसको बोलते हैं मूर्खता दिस इज माई बेकूफी या तो आप बड़े को क्यों आप बुलाए फिर आप पहले उनको देखो जो अनंत ईश्वर आपके सामने दिन रात लहरा रहा है हंस रहा है बोल रहा है आप उसमें उसकी आवाज को न सुन के आप एक छोटी मोटी संसार की एक छोटे मोटी बात से आप सुख दुख निकाल रहे हो दिस इज कॉल्ड मोह बोले पागल है क्या ऐसा काम कर दिया उन्होंने इतने बड़े को छोड़ के इतनी छोटी सी बात पे आप इतने बड़े गुरुदेव को छोड़ के आप छोटी मोटी बात पे अटक गए कोई बड़ी बात को छोड़ के छोटी सी बात को पकड़ के उसमें से सुख दुख निकालना इसी का नाम मोह है ठीक <coughs> मोह मतलब कि मो जो है यही रावण ने सीता जी राम जी को छोड़ा हमें बस इसमें ऑब्जेक्शन है इस, इस बात का राम जी को अगर सीता जी के साथ ले जाता रावण तो सीता जी दुखी तो नहीं होती कम से हाँ। लेकिन आपने राम को क्यों छोड़ा आपने शांति चाहा राम को छोड़कर यू वॉन्टेड पीस विदाउट राम Hmm. इसी नाम मोह है आप अनंत को मत छोड़िए और अगर आपको शांति नहीं मिली तो आप मान लीजिए कि आपने किसी बड़ी बात को छोड़ दिया है यू हैव लेफ्ट समथिंग वेरी बिग इन अवर इन योर लाइफ एनी वे हम लोग अब सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं वी आर नाउ एंटरिंग इन टू सुंदर कांड चले ना hmm. कई लोग तो सुंदर कांड का प्रातः प्रतिदिन पाठ भी करते हैं सम पीपल डू पाठ एवरी डे ऑफ सुंदर कांड कई लोग हफ्ते में एक दो दिन करते हैं लेकिन बहुत बड़ा लोकप्रिय और बहुत सुंदर सा कांड है इस पर धीरे धीरे खुलेगा वी विल ओपन इट सॉरी अब सारे बंदर जो हैं वो देखे कि सामने सागर है यू हर्ड द स्टोरी और फिर संपाति आए और संपाति ने कहा कि आप लोग क्या परेशान हैं? इन है रिवर मिनोशन और आप जो आप पार्क करेंगे वो भगवान की कृपा से ही करेंगे अब जो सागर की बात है सागर आदमी साधना करता है और साधना करने में कभी कभी हुँ? मन सुबह उठता है बोले स्वामी जी गेट इन द मॉर्निंग वेरी गुड आई स्टार्टेड माय रेगुलर जब वेरी गुड आई स्टार्टेड माय रेगुलर वेरी गुड लेकिन ये सब करने के बाद एक ऐसा पड़ाव आता है वन स्टेशन कम्स यू फील दैट नो प्रोग्रेस टू मच एक बार सागर दिखता है ुलसीदास ने किसी ने पूछा कि सागर है क्या वट इज दिस सागर तो उन्होंने बोला कुण अभिमान भयंकर घोर बोलिए सागर देहा देहाभिमान पत्रिका में <laughs> कुण अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर दुरापम मतलब बहुत बड़ा सागर देहात मन अंडरस्टैंड ज्ञान वेदांत इन से विल अंडरस्टैंड सपोजिंग एक एक हीरा है हीरा दिस इज देयर इज अ डायमंड आई पुट अ डायमंड इन वन एनवेलप एनवेलप एंड आई पैक इट सो अदर पर्सन इज थिंकिंग दैट दिस एनवेलप इज द instead of knowing that there is a diamond which is inside the envelope he starts thinking that this envelope is diamond and from that he starts loving the envelope एक लिफाफे में आपने हीरा डाला और वो हीरा आप नहीं जानते आप उस लिफाफे को ही हीरा समझते हैं और फिर लिफाफे को आप सब कुछ मानते हैं और अगर उस लिफाफे से एक दूसरा लिफाफा आ गया तो बोलते हैं देखो ये कितना अच्छा है ये शरीर एक लिफाफा है दिस इज एन एनवलप मेड आउट ऑफ फाइव एलिमेंट इसमें एक हीरा है उसका नाम है आत्मा हाँ, उस आत्मा को हम न जान के हम इस ये जो देह है दे मतलब जला दिया जाएगा शीर्यमाणाज शरीर जो जो सड़ रहा है विच इज रॉटिंग क्या क्या परिभाषा देते हैं लोग संस्कृत वाले छोड़ते नहीं है <laughs> in one life 900 times face changes i read somewhere 900 times whole cells of the face changes शरीर है क्या कैल्शियम फास्फोरस फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मैग्नीशियम जिंक यही सब तो शरीर है आपका आप जिसको शरीर बोलते हैं ये यह सब यही है लेकिन हम इसको जो मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं। कूड़े को कूड़े को मेरा मानते डस्टबिन यू आर सींग माइन दिस इज अ डस्टबिन सफेस्टिकेटेड डस्टबिन सफिस्टिकेटेड डस्टबिन है ये बहुत सफेस्टिकेटेड हाँ

और इस शरीर में मैं बुद्धि डालते हैं बोले इसमें नुकसान क्या है नुकसान ये है कि वो जो आत्मा है उसका तिरस्कार हो रहा है दैट गॉड इज निग्लेक्टेड दैट हीरा दैट एंड दिस यू आर ट्राइंग टू डेकोरेट यू आर ट्राइंग टू प्रेज मतलब यही हमारे जीवन का केंद्र है इसको हम खाना खिलाएंगे कपड़ा पहनेंगे कोई बोलेगा इसको तो गुस्सा करेंगे यू डोल टू मी इसके संबंधी को अपना मानेंगे जिस झूठे शरीर से दूसरा शरीर आएगा वो भी झूठा ही होगा फ़ॉल्स बॉडी फ़ॉल्स बॉडी विल कम सो अटैचमेंट हो गया एवरेज हो गया किसी को बेटा माना किसी को पति सब शरीर को ही माना है इसी का नाम सागर है

माई चाइल्ड यू आर माई हजबेंड यू आर माई वाइफ दिस इज माई हाउस वो केंद्रीय शरीर बना लिया आपने पूरे कुए में ही भांग पड़ी हुई है यू गो टू द मार्केट ओनलीउट द बॉडी फ्रेग सेंट दिस इज सेंट शॉप दैट इज फॉर द सेंस ऑर्गन कॉल्ड नोज दिस इज फिल्म इंडस्ट्री करस्पॉन्डिंग टू आईज एन इज

एक व्हाट इज इट कॉल्ड एक पास्ता पिज्जा कितने तरह का नहीं मिठाई कितने तरह की चलो इंडिया में चलते हैं मतलब मिलियन ट्रिलियन डॉलर एक एक सेंस हॉस्पिटल सारे शरीर के लिए फिल्म इंडस्ट्री शरीर के लिए गारमेंट इंडस्ट्री शरीर के लिए फार्मास्यूटिकल शरीर के लिए डिज्नीलैंड इंटरटेनमेंट शरीर के लिए क्यों भाई कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स शरीर के लिए हो शूज इंडस्ट्री शरीर के लिए बताओ आप हु बॉडी बड़े बड़े मॉल हैं आपके यहां ओनली फॉर द बॉडी इतने बढ़ने के बाद भी शांति नहीं है जगत में क्यों नहीं है क्योंकि आप आपने सेंटर बदल दिया शरीर इज नॉट अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज यू चेंज द सेंटर दैट वाज फॉल्स यू आर कैचिंग टू द नीड ऑफ समथिंग विच इज नॉट देयर इन्फाइट थॉट इज देयर इसगर ओशन ऑफ थॉट देर हमारे बेटे का क्या होगा हमारी पत्नी का क्या होगा हमारे पति का क्या होगा <coughs> उन्होंने हमारा अपमान किया आई कैनॉट फॉर गिव हिम ही इंसल्टेड मी लुकडाउन ओपन मी शरीर केंद्र मान लिया शरीर का अपमान हुआ झूठे शरीर का अपमान सच होगा क्या शान्तं शाश्वतमप्रमेयम् अनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफलेन्द्रसेव्यमनिषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाबदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि जामवंत के वचन सुहा सुनि भाए हृदयती मोही मोहि परिखहु तुम भाई सही दुख कंद मूल आई जब लगी वह सीत ही देखी हो काज मोही हर विशेषी यह कही ना आई सबनी कहू म था चले उर्षि ही धरी रघुनाथ अरे भाई सिंधु एक भूधर सुंदर कौतुक कुद चढ़ाते ऊपर ऊ पर कौतुक कदि चढ़ो ता ऊपर मार मार रघु वीर संहारी तर के उपन तने बल भारी जही गिरी चरण दे हनु मंता चले सुगा पाताल तुरंत पा जिमिया मोघ रघु कर बाना बना भांति चलो हनु जल जलनिधि रघुपति दूत बेचारी तै मै नाक हो श्रम हारी हनुमान हनुमान तह पर करपुनी की प्रणाम राम काज कीन बिनु राम काज राम काज, राम काज किन्हे मो कहा मोहिकः सियाबर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय सुंदर कांड भगवान की जय अब सुंदर कांड में आ गए हम लोग सुंदर लग रहा है हाँ अब जामवन जी ने कहा भाई हनुमान राम काश तब लगी तो तारा आपका जन्म तो भगवान के काम के लिए हुआ हम सबका जन्म भगवान के काम के लिए हुआ यूर ऑल बॉन्ड वर्क, नॉट ईगोज कोई का किसी जन्म का काम काज करने के लिए नहीं हुआ <laughs> और हनुमान जी ऐसे संतुलित है शौर्य दिखाया मतलब बढ़ गए एकदम। तेज एकदम गोल्डन यू हनुमान जी एकदम चमक गए सिंह करीब आ रही बारह रोड लाइक लायन ये शौर्य है उन्होंने बल दिखाया सारे को लगा ले हनुमान ही को एकदम मरियल की तरह प्याड़े मरियल नॉट लाइक दैट इंस्पिरेशन होनी चाहिए शौर्य होना चाहिए लेकिन हनुमान जी के पास उनके जीवन में बड़ा बैलेंस है His शौर्य इज़ विद सौरज धीरज धीरजा उनके जीवन में बड़ा संतुलन है बल के साथ विवेक है दम के साथ परहित है देर इज रिक्वायर्ड यू डोंट बी सो इंस्पायर्ड दैट यू लूज योर थिंकिंग अब इतना बोलने के बाद हनुमान जी ने कहा कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए यू टेल मी व्हाट इज राइट थिंग व्हाट शे नहीं कि चले गए बिना पता है कितने लोगों में इतना धैर्य है कि काम ही नहीं शुरू करते दे डोंट स्टार्ट दुम पेशेंस इज देयर सम सो फास्ट दैट दे डोंट टेक एनी बडी विद यू वांट टू रीच फास्ट गो अलोन ट टू रीच फार टेक एवरीबड विद यू हाँ डिसीजन हुआ नहीं खुद ही डिसीजन लेके काम कर दिया अभी कभी कभी मीटिंग में ऐसा होता बोले बड़ा टाइम लगा है डिसीजन होने में हमने तो शुरू कर दिया काम आई कॉन्ट अब दस लोग जो हैं आपके साथ नहीं है लॉन्ग टाइम दिल सी दैट यू डों हनुमान जी में जो संतुलन दिखाएंगे शो यू हाउ बैलेंस्ड इज संतुलन मतलब होता है कि व्यक्ति व्यक्ति कहीं गिरता नहीं है यू डोंट हैव अ फॉल आपसे आप के निर्णय से आप कहीं लुढ़क पुड़क नहीं जाते वैन यू आर नॉट बैलेंस्ड यू यू हर्ट यूर सेल्फ एंड हर्ट अदर्स द वेरी साइन ऑफ अनबैलेंस्ड पर्सन इज दैट ही गेट्स हर्ट एन हर्ट्स आपको चोट लग जाती और आप चोट पहुंचा देते हो so, सो हनुमान जी में जो एक स्थिरता है उनके भाव में एक एक कंसिस्टेंसी है देर इज अ कंसिस्टेंसी देर इज अ कॉन्टिन्यूटी देर इज अ कमिटमेंट दिस थ्री सीज आर जामवंत के बचन सुहाए अब जामवंत के बचन सुन के हनुमान जी को ये नहीं लगा हम ही फंस गए ऑल मंकीज आर गएंग काम हम ही को करना पड़ रहा है सारा मैक्सिमम काम हम ही करते हैं मैक्सिमम कामयाब और कोई करता नहीं है तो अधिक काम करने वाले हैं बड़े चिड़चिड़े हो जाते गेट इरिटेटेड, बिकॉज अदर्स डोंट डू, अरे भाई काम करना तो आपको बहुत बड़ा मौका मिला है यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी तो जाम जी के वचन सुन के हनुमान जी को डर नहीं लगा सुनी हनुमंत हृदय अति भाई अपी अति भाई अब उन्होंने एक ऐसी बात बोली कहे कैसा है तो बंदरों ने कहा कि ठीक है हनुमान जाओ तुम काम कराओ हम लोग वापस किशकिंदा जाते हनुमान जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग साथ चलेंगे विल गिव द गुड न्यूज टुगेदर विल शेयर द सक्सेस जो सक्सेस कलेक्टिव सक्सेस होती है ना वो वो एंटी अहंकार होती अहंकारी व्यक्ति अपनी सक्सेस को शेयर नहीं करता तब लगी मोही परी खे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई बोले आप लोग आप लोग कुछ दिन और सह लीजिए लोगों का भाई तुम हनुमान जी सीता जी को देखे हो बोले नहीं देखा है बोले कुछ लंका का एक्सपीरियंस है एनी एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग इन लंग बोले कोई एक्सपीरियंस नहीं कहा रावण से कभी मुलाकात हुई है हाउ विल यू डील विद हिम बोले कोई पता नहीं बोले अच्छा तुम जा रहे हो वहाँ पे कुछ कोई रोड मैप है कोई और एक्सपीरियंस पर्सन से कॉन्टेक्ट करके है कुछ है बोले नहीं है बोले <coughs> तुमको तो कुछ भी पता नहीं वट इज योर एंटिसिपेशन पता लगा ले जाओगे फिर भी प्रवेश करना ही लंका में इतना डिफिकल्ट है यही हम बोलते हैं तो साधना है ना आर गोइंग इन टू वेरी अनोन टेरेटरीटरी इफ यू गो टू इंडिया यू कॉन्टेक्ट समय बोले हमारा टिकट बुक करवा देना टैक्सी आ जाए एयरपोर्ट पे पिकमी अप होटल कौन सा अच्छा है तो आइए इंटरनेट में हमने देख लिया कि होटल है अमुक अमुक गए वहां फिक्स माय सेल्फ समर्स यहां में जब करना है जब के बाद क्या होता है जब की पूर्णता क्या है शायद गुरु हो तो बता दे और गुरु भी आपको बता सकता है वो आपको खुद प्रयास करके यू आर वीर इन वेरी अनोन टेरिटरी में आप जा रहे हैं

हनुमान जी तो टोटली टोटली एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कुछ किसी को पता नहीं था और खुद को भी नहीं पता था तो बंदरों ने कहा भाई एक बात बताओ हनुमान यू श्योर पता लगा लोगे क्या तुम्हारा कहना क्या है जब लगी वह सीत ही देखी हो यही काजू मो हरस विशेषी बोले हमारा तो मन कह रहा है डिफिनेट काम हो जाएगा हम सीधा जी का पता लगा ले जाएंगे देखो ये विश्वास है विश्वास ये है कि आप जानते हैं कुछ भी हमें नहीं पता है लेकिन फिर भी श्योरिटी है कि सब भगवान हमारा ठीक करवा देंगे ऑल विल बी फाइन I will not pay fine. <laughs> सब कुछ अंधेरा आपको दिख रहा है चारों तरफ लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारे पास कुछ न कुछ मदद आएगी आएगी ना बोले हाँ आएगी कहां से पता नहीं जब लगिया आ सीत ही देखी बहुत प्यारी लाइन हमको लगती है ये जो लाइन है हो मोही हरस विशेषी मिशन में कई बार ऐसा प्रोजेक्ट आता है लोगों के कहा से प्रोजेक्ट होगा पैसा भी नहीं है स्वामी जी अभी तो रिसोर्सेस भी नहीं है लोग भी नहीं है बस यही लाइन याद आती है हनुमान जी की हर हरस विशेषी <laughs> ये चित्त में जो विश्वास है कोई नर्वसनेस नहीं है कोई फियर नहीं है कोई एंजाइटी नहीं है कोई कोई घबराहट नहीं है कोई अनड्यू टेंशन नहीं है कोई छींक नहीं है <laughs> कोई कोई जो है ना किसको बोलते हैं कि परेशानी नहीं क्या होगा हनुमान एकदम तो यही संतुलन आप देखना इसमें विश्वास होता है वही साधु होता है <laughs> इतना विश्वास होना चाहिए

विल बना ला इतना विश्वास होना चाहिए <laughs> और कोई नहीं लाया था ला। <laughs> हमने भगवान से बात बोली है हमारा इंटेंशन अच्छा है जितनी व्यक्ति में निस्वार्थता होगी उतना विश्वास हो जाता इफ यू हैव इंडिविजुअल not get प्रोजेक्ट यू विल नॉट गेट हेल्प टू मच फ्रॉम गॉड own एफर्ट

हंड्रेड था दो लाख रैन की सैलरी इज नॉट एन इजी सैलरी लेकिन यहाँ कोई कमाता नहीं यहां तो विश्वास से चलता है काम श्री हनुमान जी के अंदर इतना ज्यादा लबालब विश्वास था हुई है काज मोहि हर्ष विशेषी हमें जरा विशेष पता अंदर वाला बोलने लगता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा कोई और बोलता है कि ठीक है हम हैं <laughs> अब उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े पता नहीं कहां से क्या होता है कौन आता है क्या है यह कही न सबनी कहुमा था चले रघुना था देखो यही हनुमान जी की अद्भुत विनम्रता और निराभिमानता सारे बंदर बैठे थे दे आर ऑल इनफेक्टिव बेचारे से बैठे देख रहे तो मेन मेन स्टॉलवर्ड थे तो वो बेचारे वही सो वही चुपचाप बैठे थे अंगत तो पहले बोले भाई हमसे तो हो नहीं पाया जामबंजी ने कहा हमारा ऑर्थराइटिस रोमिटाइड ऑर्थराइट नलनी ने कहा भाई व्हाट टू तो सेव स्मॉल मंकी से। वो तो कुछ भी इफेक्टिव बिल्कुल नहीं थे और यहां पे श्री हनुमान जी एक एक बंदर के पास गए उनके सामने हाथ जोड़ा ऐसा सबसे कहा ए अपना हाथ हमारे सर पे रखो आशीर्वाद सब ने अपना हाथ अपने एक एक के पास गए सब ने उनके सर पे अपना हाथ रखा बोला हनुमान निश्चित रूप से काम होगा सीता जी का तुम पता लगा क्या आओगे आप सीधा का पता लगा के आएंगे ऐसे सबका आशीर्वाद लेके जो व्यक्ति चलता है ना उसी का काम होता है यू कैन डू एनीथिंग इन इन रैशा धीरे चलो आपके कर में सबका संकल्प मिलना चाहिए योर एक्शन शुड हैव सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडीज़ इज प्रेयर एवरीबॉडीज़ एवरीबडी गुड विशेस। यह कही नाही सबन कहू माता। बोले हम चले सारे बंदों ने कहा हाँ बोले जल्दी आना पता लगा कि हम लोग यहीं प्रतीक्षा करेंगे सागर के पास नियर रोशन ऑल वियर सीटेड और यहां जय श्री राम जी कुदेव लेकिन कैसे गए चले हर शि धरी रघुना था अपने हृदय में उन्होंने भगवान राम को बोला भगवान अपना काम संभालना आपन तेज समारो आप है काम आपका है आप करवाओगे ठीक है ये कर्मयोग है देखो आप एक बड़ा सा पर्वत था अबिल उस पर चढ़े हनुमान जी और बहुत सुंदर सी लाइन है बार बार रघुबीर संभारी शब्द है समारी मतलब संभालना मनी मन बोले भगवान क्या करना है अब कहा जाना है अब मतलब <laughs> जो शब्द लिखा है जिमी अमोग रघुपति कर बाना यही भांति चले वनुमाना यही कर्मयोग है वाण की अपना अपना संकल्प नहीं होता हैव इट्स ओन संकल्प arrow doesn't have its own desire, arrow does not have डिजायर does not has its own own speed. वो चलाने वाले के हाथ में है वो चाहे यहां मारे चाहे यहां मारे चाहे यहां मारे चाहे, यहां मारे, चाहे ना मारे चाहे चुपचाप वो तीर तोड़ीर में पड़ा रहे कर्म योग मतलब है कि हम ईश्वर के किसी प्लान को आई एम एग्जीक्यूटर मात्र आई एम ओनली आई एम ओनली एग्जिक्यूटर ऑफ गॉड्स थॉट एंड गॉड्स प्लान एट ऑल टाइम फुल स्टॉप वॉट विल है वॉट आई विल गेट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड हु डू वॉट नो आई डोंट हैव एनी कंसर्न ठीक है <laughs> <coughs> ये तो सर्वाणि कर्मणि मैं सन्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेना उपासते ध्यायं तू समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी पार्थ मई आवेशित चेत सा बस नहीं नहीं हमने सोचा था स्वामी जी काम नहीं हुआ अच्छा खुश हो जाओ काम नहीं हुआ मतलब भगवान का संकल्प नहीं था नहीं हुआ नहीं वा, हम क्या कर सकते यू स्टार्टेड समथिंग डिड नॉट है अच्छी बात है कुछ और हो जाएगा आप अपना आपकी अपनी चले और भगवान की ना चले ये कोई अच्छी बात है यू आर पुशिंग योर एजेंडा एंड नॉट गॉड एजेंडा इज इट गुड हम्म काम करा पूरा होना इज नॉट नॉट एन अचीवमेंट मेरा काम पूरा हो गया प्रोजेक्ट इज फुलफिल्ड प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल अध्यात्म इसकी एक कौड़ी की भी कीमत नहीं हाउ सक्सेसफुल यू आर हाउ बिग योर प्रोजेक्ट इज नथिंग टू दैट चित्त में ईश्वर का ईश्वर का कोई प्लान एग्जीक्यूट हुआ हाउ डू आई नो अगर ईश्वर का कोई कर्म पूरा हो जाता है या नहीं होता है आप काम करने के बाद ये नहीं देखते कि हमारा काम पूरा हुआ आप ये देखते हैं कि मन में हमारे कृतज्ञता आई कि नहीं आई यू आर ग्रेटफुल और नॉट यू आर सॉफ्टर और नॉट यू आर डूइंग द एक्शन

टिंग माई पॉइंट और प्रयोजन नहीं है विश्वास बढ़ा अमोदनुमान हनुमान जी चले जा रहे हैं इसके बाद एक पहाड़ आया यू नो वन वन माउंटेन हेड कमर लियर विश वन दिस हाँ जहां पे पानी था वो विश्वास का पर्वत ये विवेक का पर्वत तीन और आगे भी एक पर्वत आने वाला है। जरा ऊपर चढ़ गए और फिर कुछ ही रोज ऑन द माउंटेन देन ही जम्प देहाभिमान के सागर को पार करने के लिए आपको विवेक चाहिए विवेक के पर्वत पर चढ़ी हनुमान जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे सारे बंदर यहाँ बैठे सब खड़े होके ऐसे कर रहे जय श्री राम बोले जल्दी आना हनुमान ये सब इन लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठीक है हम लोग साथ साथ चलेंगे हम लोग साथ राम जी को समाचार देंगे हनुमान जी वॉज नॉट गोइंग एज इंडिविजुअल ही वॉज गोइंग एज इफ ऑल मंकीज आर गोइंग जो महापुरुष लोग काम करते हैं उनके कर्म में सब लोग को लगता है कि हम ही कर रहे हैं हमारा ही संकल्प इन देयर ड्रीम एवरीबडी इज इंक्लूडेड और जो छोटा मोटा आदमी काम करता है उसका एक बहुत छोटा सा संकल्प है उसके संकल्प में सब सबका संकल्प नहीं होता गुरुदेव ने गीता को झग घर घर में पहुंचाया दैट वॉज संकल्प ऑफ मेनी हिंदुज आश्रम बनवाया टू गेट द आश्रम व संकल्प ऑफ मेनी पीपल ठीक है विवेकानंद जी ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिंदुओं के बारे में बोला दैट वॉज संकल्प ऑफ मेनी हिंदूज के हिंदूज शुड बी रिप्रेजेंटेड वेल तो जो एक महापुरुष होता है उसके संकल्प में सबका संकल्प होता है और रावण ने सीता का हरण किया उसमें नो बडी वॉन्टेड इंक्लूडिंग मंदोदरी के कई ने संकल्प लिया नो बडी वॉन्टेड दैट के कई शुड डू लाइक दैट भरत जी ने संकल्प लिया कि हमें बैठना है एवरीबडी वॉन्टेड येस दिस इज द बेस्ट वे भरत शुड वर्शिप गॉड भगवान राम एंड रूल ऑन हिज बिहार वॉट यू डू शुड बी एवरीबडी थॉट यू आर आर रिप्रेजेंट यू आर एग्क्यूट एग्जीक्यूटर ऑफ एवरीबडी इज प्लान ठीक है आप जो करते हैं लोग लगता है अरे यही तो हम चाह रहे थे दिस इज वॉट आई वॉन्टेड अरे यही तो अरे क्या बात दिस इज वॉट आई वॉन्टेड हम नहीं कर पाए इन्होंने कर दिया देखो यही तो हमारा सपना इन्होंने पूरा कर दिया माई ड्रीम ही फुलफिल दिस वॉज वॉट ई आई वॉल्सो वॉन्टेड हनुमान जी वॉज टेकिंग एवरीबडीज ड्रीम अलॉन्ग सब कुछ चाहते सब लोग चाहते हैं कि जी का हम लोग पता लगा लें लेकिन जो छोटे मोटे अहंकारी व्यक्ति होता है वो जो करता है नो बडी वर्ड्स वेन यू आर एंग्री नो बडी वर्ड यू शुड बी एंग्री बट यू आर डूइंग इट वेन यू आर कामी नो बडी वन यू आर क्रोधिंग नो बडी वर्ण्स वेन यू आर लोभी नो बडी वर्ड्स वेन यू आर चीटिंग नो बडी हनुमान जी तो भगवान को अंदर लेके, के आर यू गेटिंग सुंदरकांड की सुंदरता बहुत ज्यादा है इसमें तो सबसे सुंदर तो हनुमानी जी अभी देखना भी वेलकम बैक सुंदर सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे किमन सुंदर विल we'll सी दैट सुंदरकांड में अपना समय लगेगा किस किंदा कांड और रणान कांड में समय लगा समय में लगेगा समय डों <laughs> सब लोग खुश सारे देवता खुश सारे बंदर खुश भगवान राम खुश लक्ष्मण जी खुश सुग्रीव खुश मतलब तो एक व्यक्ति कितने लोगों को प्रसन्नता दे सकता रॉन्ग एवरीबडी इज अपसेट एवरीबडी गेट्स डिसहार्टेड एवरीबडी गेट्स सॉरी ऐसा क्यों व्हाई डिड लाइक दैट व्हाई डिड लाइक एवरीबडी सिंग सेइंग व्हाई रावण इज डूइंग लाइक दैट किसी का भी मन नहीं था कि रावण सीता जी का हरण करे न मारीच का मन था एक स्वप्न का थी पागल ठीक है आप ऐसा कुछ कर्म करो कि लोगों को लगे देखो हम यही चाहते थे और इसलिए कर दिया

अब जो है पार्वती जी ब्रदर आई थिंक मैना मैना पार्वती जी मैना कहे हाँ मैना सन मैना सन पार्वती जी ब्रदर अब यू नो वंस इंद्र इंद्र स्टार्टेड क्लिपिंग द विंग्स ऑफ ऑल द माउंटेन्स इंद्र ने सारे बहाड़ों का पर था पहले दे हैड विंग्स सो यू विंग्स ये छिप गया जाके अंदर मैनाक जो है ओशन गेव इिम द रिफ्यूज और मैनाक वॉज द फ्रेंड ऑफ पवन भगवान अब ये नीचे छिपे हुए थे तब ये हनुमान जी ऊपर से गए तो समुद्र ने कहा भाई मैनाक जाओ गिव हिम रेस्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दो गए होंगे निधि रघुपति दूत बिचारी ते में नाक गए नीचे से ऊपर गए सीन इन टीवी सीरियल से अब मैं नाक गए मैं नाग ने कहा हनुमान और रिश्ते में इतना सा ही वॉज अंकल ऑफ हनुमान जी कोई संबंध था <laughs> अच्छा खाना था अच्छी बिस्तर थी सब कुछ था भाई वो सब देवता लोग हैं दे विल नॉट गो लाइक एम टी हैंडेड रूखे सूखे पहुंच गए खाना उन्हें लेके पहुंचे थे स्वीट डिश भी था है ना हाँ। खा लिया सब यूट एवरीथिंग ओके स्वीट डिश लाए घर से तो लेके पहुंचे हनुमान जी नीचे उतरे बहुत सुंदर है अब हनुमान जी कुछ भी नहीं खा रहे हैं न सो रहे हैं जब साधक जाता है तो उसके साधना में बहुत टेम्पटेशन आते हैं, कई आकर्षण आते हैं आते हैं। डिस्ट्रैक्शन आते सोने का पर्वत था यू डोंट नीड गोल्डन माउंटेन यू नीड लिटिल गोल्ड फॉलिंग स्टॉप वो सोने के पर्वत पे हनुमान जी को वासना थी नहीं जिसमें वासना होती है बहुत लंबे दौड़ का घोड़ा नहीं होता है He stops the वो फंस जाता है किसी इशू पे साधक को कुछ दिखना नहीं चाहिए कुछ समझ में नहीं आता कुछ यू मस्ट द ओलंपिक एंड आर रेडी नाउ ऑन द मार्क गेट सेट गो एंड देर इज वन दिस दौड़ने वाला होता है ना इधर देखता है ना उधर देखता है इन्हें देखता कौन कौन आया कौन कौन देख रहा है कौन ताली बजा रहा है मम्मी है कि नहीं पापा पापा उसको बस वही मार्ग दिखता है बस खटखट खट 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 वो जान झोंक देता है वो लगता है कि कैसे आगे वाले को हरा के आगे पहुंच जाए सीन कुछ दिखता नहीं उसको उसी प्रकार से साधक को एक ही चीज लिखनी चाहिए कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें किसी ने बड़ी प्रशंसा किया कि वाह क्या है आपकी साधना वाह किसी ने पैसा दिया किसी ने दिया। ये फंस जाता है व्यक्ति हनुमान जी में प्रलोभन ही वॉज नॉट वीक ही वॉज नॉट टेम्पटेड यूज नॉट फॉलिंग फॉर समबड़ी गिरे नहीं किसी कारण उन्होंने कहा भाई मैनाक जी हम अभी नहीं राम काज की नहीं बनू मोही कहा विश्राम लेकिन ध्यान देना उन्होंने अपनी निर्लोपता दिखाया लेकिन उसमें निर्भिमानता थी जनरली दोस्त दो बार त्यागी दिविकम अभिमानी उन्होंने कहा नहीं हटो हटो हट 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 उन्होंने मैनाक का तिरस्कार नहीं किया अंडरस्टूड ध्यान देना वन सेंट वॉज कमिंग वन राजा हैड पुट लॉट ऑफ गुड कारपेट्स टू वेलकम सेंट वॉक एंड बाई वॉकिंग ही वॉक लाइक दिस थप थप द कार्पेट तो राजा ने कहा पैर पकड़ के महाराज जी आप ऐसे क्यों चले बोले हम तुम्हारे वैभव को लात मारते हैं आई किक टू योर ग्लोरिय टू योर वैभव ग्लोरी एंड योर मनी कि तुम्हारा अहंकार है तो जो राजा थे उन्हें फिर पैर पकड़ा उनका कहा कि क्षमा करिएगा अच्छा है आप अहंकार पे लात मारते लेकिन जो आपने यू किक्ट द अहंग द ग्लोरी यू किक्ट विद द अभिमान ऑफ त्याग और निराभिमान से आप मारे अभिमान पे लात की अभिमान से मारे अभिमान पे लात यू किक द ईगो माय ईगो विद योर ईगो योर यू किक माई ईगो विद ईगो पाँग पाँग पाँग। आप में त्याग का अभिमान है तो आप त्याग के अभिमान से हमारे वैभव के अभिमान पर ठीक है जनली जो त्यागी होते हैं अभिमान नहीं हो जाते हम बिल्कुल नहीं खाते आई ऑलवेज फास्ट नहीं ये प्रसाद है अभी नहीं खाते हनुमान जी ने मना किया लेकिन हनुमान ही परसा है कीन प्रणाम उनके त्याग में अभिमान की दुर्गंध नहीं थी. देर वॉज नो स्टिंक ऑफ हिज ईगो इन हिज रिन गढ़ नहीं रहा था उनका त्याग इट वॉज नॉट प्रिकिंग देखो हमने बोला मना कर दिया साफ साफ नहीं टिक तो अकड़ नहीं थी त्यागी अकड़ू हो जाते हैं। दे बिकम वेरी अकड़ू स्टिफ यू शुड बी फर्म बट नॉट स्टिफ पीपुलट बी फीलिंग अनकंफर्टेबल विद योर डिस्पैशन और विद योर विनंसिएशन आप किसी के भाव को भाव का तो आदर करो आप किसी का राम जी के पास भरत जी गए आपको वापस चलना पड़ेगा राम जी ने जानते हैं क्या बोला कहते भाई वैसा है भरत हमारे पिता ने पिता के सत्य को रखने के लिए हम आ गए टू कीप द वर्ड ऑफ माई फादर आई केम इन द फॉरेस्ट बट मोर इंपॉर्टेंट माई फादर्स वर्ड इज योर वर्ड आई कैन लीव माई वाउस फॉर यू तो भरत के सत्य को रखने के लिए भगवान राम का सत्य था फिर भरत जी को लगा नहीं हम इनके सत्य को क्यों बिगाड़े आई शुड मेंटेन हिस्स भगवान राम भरत जी का सत्य बना रहे थे भरत जी राम जी का सत्य बना रहे थे एक अहंकारी व्यक्ति किसी का सत्य नहीं बनाता वो अपना सत्य पुष्ट करता मॉस्ट बी विनर एंड इन द विनिंग ही लूजेज इन द लॉन्ग बेट भीष्म पितामह को लगा कि कल जो है भगवान कृष्ण को हम झूठा दिखा देंगे लेट मी सी ही विल अप द आर्म्स जो लड़ाई किया भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भीष्म पितामह, आपके सत्य को जिताने के लिए हम झूठ बन जाएंगे कभी भी अहंकार अहंकार को नहीं जीतता एक निरहंकार से ही अहंकार जीता जाता है ईगो विद दूगो ई हो तो जब हनुमान जी नीचे उतरे के पास प्रणाम किया कहा आपने इतना कुछ हमारे लिए किया आप आए हमारे लिए कहें हाँ बेटा कुछ विश्राम कर लो कहा लेकिन हमें भी जल्दी है आप हमें आशीर्वाद दीजिए हम आगे बढ़ेंगे हम फिर कभी आएंगे लेकिन आपने हमको इतना क्यों प्यार किया उनके त्याग में अभिमान की वो नहीं थी दुर्गंध नहीं थी तिरस्कार नहीं था दूसरे का दूसरे के भाव का दूसरे के प्रेम का तिरस्कार नहीं था हनुमान ती परसा कर पुनिकीन बड़ा बोले हमें इस जल्दी है भगवान राम सीता जी के लिए तड़प रहे हैं सीता माँ राम जी के लिए परेशान है इस समय हम विश्राम करेंगे तो फिर देर हो जाएंगे हमें आप आज्ञा देंगे ही कूड़े उड़ ले बटो हम नहीं खाते पता नहीं क्या रास्ते मत आओ खुद तो काम करते हैं नहीं हमको भी नहीं करने दे रहे हो

यू कैन सी लॉट ऑफ शेड्स ऑफ हनुमान जी पर्सनैलिटी जिससे सुंदरता और सुंदर पूर्ण मद पूर्ण मूर्णा पूर्ण मे पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवा ॐ शान्ते 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं हरि <laughs> न <laughs>